वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 18 में आपका स्वागत है। इस क्वेश्चन में देखो काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स सिटीज दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। अब हम पहले हमारे पास क्या है वो हम ढूंढ लेते हैं। हमारे पास A12 इज इक्वल टू 37 दिया हुआ है, ठीक है, और D इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। और जो N है, N की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ से आपको मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी, और आपको इससे S ऑफ 12 भी ढूंढना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये A का हिसाब क्लियर करेंगे, A की वैल्यू कितनी आएगी वो हम ढूंढेंगे, क्योंकि शुरुआत AP की शुरुआत नहीं मिलेगी तो हम AP के बारे में कुछ ढूंढ नहीं सकते। तो पहले हम A निकाल लेते हैं। A की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, आपको यहाँ से मिल जाएगी। फॉर्मूला लगा लेते हैं, A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D, राइट। अब A12 की वैल्यू 37 थी और A हमें ढूंढना था, ये 11 इंटू D की वैल्यू 3 थी। अब 33 माइनस 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A, A इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, S ऑफ 12 ढूंढेंगे। तो S ऑफ 12 इज इक्वल टू N बाई 2 A प्लस AN, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना होगा, S ऑफ 12 ढूंढने के लिए 12 बाई 2, देखो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आया था, फर्स्ट टर्म आया था 4, और AN इज इक्वल टू AN देख सकते हो आप 37, क्योंकि 12 वाला टर्म लास्ट टर्म था। तो S ऑफ 12 इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 37, S ऑफ 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 37 प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो S ऑफ 12 इज इक्वल टू 6, 4, 6 जा 24, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया। आपको ऐसा नहीं समझना है कि सर ये आंसर आना चाहिए था, एक्चुअली यहाँ पे कॉमा किया हुआ है जो मैंने नहीं किया, जिसमें A की वैल्यू 4 आनी चाहिए थी और S ऑफ 12 इज इक्वल टू 246 आना चाहिए था। हो सकता है आप देखने में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दो, बट मैंने आंसर मेरे तरीके से लिखे हुए हैं और मैं सॉल्व करने के बाद सेटिस्फाई होता हूँ तो ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। मिलते हैं पार्ट 18 के अंदर एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।